हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं सूर्या फ्रेम की एलपीजी ट्यूब की। और ये देखो देख सकते हैं इस तरह का ये पैकेट में ये आता है, एलपीजी ट्यूब फ्लेक्सिबल रबर ट्यूबिंग फॉर एलपीजी। और ये जो है ये पूरा रबर का ही है, इसमें कोई स्टील का अंदर से नहीं कोटिंग किया हुआ है। ऐसे तो वो भी मिलता है, बट हम लोगों ने आज ये इसका रिव्यू करने के लिए लेकर के आए हैं। सेफ़ एंड रिलायबल, सूटेबल फॉर ऑल गैस स्टोव्स, सूर्या फ्लेम द प्राइड ऑफ एवरी किचन सिंस 40 ईयर्स, और रिकमेंडेड फॉर यूज़ विथ, यहाँ पर है भारत गैस, इंडियन और HP गैस वगैरह प्रिंटेड है यहाँ पर। ISI का मार्क वगैरह दिया हुआ है। पीछे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर इसकी MRP प्रिंटेड है, जो कि है 195 रुपीज़, और आपको ये ईजिली 150 के आसपास में आपको अपने लोकल शॉप में ये मिल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सारे यहाँ पर प्रिंटेड है, और मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर, नॉर्मल बोर्ड लेंथ ऑफ पाइप दिया हुआ है जो कि 1.5 मीटर का है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द रेगुलेटर है, और लीक प्रूफ है, और ओजन वेदर रेसिस्टेंट, हेंस नो क्रैक, तो कोई क्रैक नहीं आएगा, बिल्कुल लीक प्रूफ है और अच्छा ग्रिप है। तो ये इसकी कुछ यहाँ पे डिटेल्स दी हुई थी, कस्टमर केयर की डिटेल्स यहाँ नीचे दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ सेफ्टी के टिप्स दिए हुए हैं कि किस तरह से इसे यूज़ नहीं करना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ट्यूबिंग हमेशा ISI सर्टिफाइड होनी चाहिए, और अच्छे से पुश्ड होने चाहिए नोसल में, और सेफ्टी कैप हमेशा ऑन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पर प्रिंटेड है, और टेस्टेड फॉर, यहाँ पर अलग अलग चीज़ से टेस्ट की गई है इसे, जैसे कि प्रेशर टेस्ट हो गया, ग्रिप टेस्ट हो गया, बर्निंग बिहेवियर हो गया, क्रशिंग टेस्ट हो गया। तो ये सारे कुछ कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर प्रिंटेड, और हम लोग जल्दी से इसे ओपन करके देख लेते हैं एक बार। तो इस तरह से ये आखिर ये हम लोग इसे देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह की कलर की, ये बिल्कुल ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। ये मैं आपको दिखाऊं, और ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल रहने का ये तरीका अच्छा है कि आप कहीं पर भी इसे आराम से बेंड कर सकते हो। वही जो इसका एक दूसरा आता है जिसमें कि अंदर में पूरा लोहा का और स्टील का पूरा लगा रहता है ग्रिप, वो आसानी से बेंड नहीं होता है और वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है। बट ये जो है ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। 1.5 मीटर की है ये, और यहाँ पर जगह जगह में सूर्या लिखा हुआ है, और कुछ डिटेल्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह यहाँ पर प्रिंटेड है। एनीवेज, इस तरह के रबर पाइप को बेसिकली आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने LPG स्टोव के साथ, और इसे हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये ISI मार्क वाला भी है। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।